नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज जो है हम शेखावाटी यूनिवर्सिटी के 3 से 4 जो अपडेट है आपको देने वाले महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं आपके लिए या फिर आपके जो अन्य दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हो। सबसे पहले अपडेट ये देख लीजिए कि स्नातकोत्तर पूर्वोत्तर के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि बढ़ा दी गई है। जहाँ दोस्तों 6 अक्टूबर की जो है न्यूज़ है, आप देख सकते हो कि आपकी लास्ट डेट पहले 6 अक्टूबर थी। पीजी, एमए, एमएससी, एमकॉम प्रीवियस ईयर जो स्टूडेंट है उनकी 6 से आप बढ़ाकर 27 अक्टूबर कर दी गई है। लास्ट चांस आपको दे रही है यूनिवर्सिटी। अभी भी आप यदि वंचित रह गए फॉर्म भरने से, एमए, एमएससी, एमकॉम के जो प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट, रेगुलर स्टूडेंट जो गवर्नमेंट कॉलेजों में हैं एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप 27 अक्टूबर तक आपके पास लास्ट चांस है। और साथ ही जो बीएड के स्टूडेंट कह रहे थे कि हम भी एमए के फॉर्म भर देते यदि बीएड का रिजल्ट जारी हो जाता था, दोस्तों बीएड का रिजल्ट मैं आपको बता दूं 27 से पहले पहले जारी हो जाएगा। आपको लास्ट डेट 27 है, उससे पहले पहले बीएड का रिजल्ट यूनिवर्सिटी जारी कर देगी। जी हाँ दोस्तों, तो बीएड वाले स्टूडेंट भी जो है अपना साल ख़राब नहीं कर पाएंगे और उन्हें भी मौका दिया जाएगा कि वो एमए के फॉर्म भी, एमए एमएससी के फॉर्म भर सकते हैं बीएड करके। तो बीएड फाइनल का जो है रिजल्ट 27 से पहले जारी कर देगी यूनिवर्सिटी, ताकि आप भी फॉर्म भर सके। और साथ ही जो दोस्तों आपको मैं बता दूँ कि आपके एमए फाइनल का रिजल्ट है वो आपको जो है रिजल्ट 10 से पहले आना अनिवार्य, क्योंकि आपके एग्जाम आने वाले हैं उससे पहले आपका रिजल्ट आना जरूरी है। तो मैं दोस्तों बता दूं, आपका 9 9 को जो है आपका रिजल्ट जारी हो सकता है यूनिवर्सिटी का, 10 से पहले पहले। यूनिवर्सिटी एमए फाइनल ईयर स्टूडेंट है, पीजी फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनका रिजल्ट जारी कर देगी। जी हाँ दोस्तों, 10 10 अक्टूबर से पहले आपका रिजल्ट 2 से 3 दिन में जारी होने वाला है शेखावाटी यूनिवर्सिटी की ओर से। जो है सूचना के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका रिजल्ट जल्दी ही जारी कर दिया जाएगा, घबराने की जो है आपको आवश्यकता नहीं है। साथ ही जो आपको मैं बता दूँ रिवलेशन से लेकर कि सर रिवलेशन का रिजल्ट कब आएगा, रिवलेशन का रिजल्ट यदि दोस्तों यूनिवर्सिटी एक और चांस देती है तो समय लग सकता है। जी हाँ दोस्तों, रिवलेशन का रिजल्ट में यदि 2 से 3 दिन का और चांस देगी यूनिवर्सिटी तो आपके लगभग 6 से 7 दिन और लग सकते हैं रिजल्ट को। और यदि चांस नहीं देगी तो जल्दी ही रिवलेशन का रिजल्ट जो है जारी कर दिया जाएगा। और साथ ही सप्लीमेंट्री की बात करते हैं, जैसे ही रिवलेशन का रिजल्ट आएगा उससे 1 2 दिन पहले ही सप्लीमेंट्री के फॉरम स्टार्ट हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सप्लीमेंट्री के फॉरम भी रिवलेशन रिजल्ट के साथ ही जो है आपके यूनिवर्सिटी स्टार्ट कर देगी। तो रिवलेशन का रिजल्ट आप देख कर कि हमारे अंक बढ़े हैं या नहीं, उसके बाद ही आप सप्लीमेंट्री का फॉरम लगा सकते हो कि आप अपना रिजल्ट देख लेना, फिर आप सप्लीमेंट्री का फॉर्म लगा सकते हो। तो सप्लीमेंट्री के एग्जाम उसके लगभग 20 25 दिन बाद हो जाएगी और 1.5 महीने के अंदर आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। तो 1.5 महीने के अंदर सप्लीमेंट्री का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो रिवलेशन रिजल्ट 5 से 7 दिन लग सकते हैं। साथ ही जो है पीजी का रिजल्ट जल्द, पहले पीजी का रिजल्ट आएगा, उसके बाद यूजी रिवलेशन का रिजल्ट आएगा और उसके बाद बीएड का रिजल्ट जो है 27 से पहले पहले आ जाएगा। दोस्तों ये थी अपडेट। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अन्य कोई परेशानी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। जय हिंद।